बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह तेरी इबादत करता हूं और कामयाबी और इज्जत देने वाले खुदा तेरे से ही मदद मांगता हूं मेरे दीर के पाकिस्तानियों इस शानदार इस्तकबाल का मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस चीज का इल्म है कि आप तीन घंटे से खड़े हैं और जी सुबह से खड़े हैं और मुझे मैं अभी भी आपका जो शौर्य और आपका जो जुनून उसको सलाम पेश करता हूं अच्छा नौजवानों नौजवानों आपने मेरी थोड़ी देर गौर से बात सुननी है थोड़ी खामोशी से देखें आपको समझना है कि यह पाकिस्तान किसी बड़े मकसद की वजह से अल्लाह ने बनाया है मैं ये चाहता हूं मेरे नौजवानों आपको सबको समझना चाहिए कि अल्लाह ने हमारा मुल्क क्यों बनाया था दुनिया में दुनिया में ये वह मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था कोई और मुल्क इस्लाम के नाम पे नहीं बना और इस मुल्क का जब ये पाकिस्तान बन रहा था तो इसका नारा क्या था पाकिस्तान का मतलब क्या माशाल्लाह। अब ये सुनना है आपने मतलब समझना है कि ला ला इला एक फलसफा है जब आप ये दावा करते हैं क्या अल्लाह तेरे सिवा और कोई खुदा नहीं और अगर मैं किसी और खुदा के सामने झुकता हूं वो बहुत बड़ा गुन गुनाह शिरक कराया जाता है शिरक है तो नौजवानों याद रखें ला लाला इंसान ला को गैरत देता है एक गरीब से गरीब इंसान भी होगा जब वो किसी के सामने झुकेगा नहीं लोग उसकी इज्जत करेंगे और बड़ा अमीर तरीन पैसे वाला आदमी जब वो किसी के सामने झुकता है कोई इज्जत नहीं करता उसकी तो मेरे नौजवानों अब ये अभी अभी मेरी जनरल बाजवा से बात हो रही थी उन्होंने कहा कि इमरान देखें रहमान को डीजल ना कहना मैं मैं तो जनरल बाजवा नहीं कह रहा लेकिन अवाम उसका नाम डीजल रख दिया आवाम ने उसका नाम अच्छा अब सुने सुने देखे अभी डीजल के ऊपर बाद में आते हैं अभी आता हूं आता। सुने सुने देखे देखे नौजवानों मुझे मौका नहीं मिलता आपसे हर रोज बात करने का तो मैं इस इसके इस मौके का फायदा उठाते हुए सिर्फ मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं कि इंसान जब किसी के सामने झुकता है वो अपनी इज्जत खो बैठता है गैरत खो बैठता है और जब कौम एक कौम किसी के सामने झुकती है उस कौम की कोई इज्जत नहीं करता उस मुल्क के पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं करता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये मैं आपको तारीख का वाकया बता रहा हूं छ और छ मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सुपर पावर थी वक्त की एक रोम की सुपर पावर और दूसरा ईरान में सुपर पावर थी दुनिया उन दोनों सुपर पावर्स के पीछे में बटी हुई थी तो मुसलमान तो थोड़े से थे अभी मुसलमान थोड़े थे चंद हजार थे तो दुनिया के तारीख के सबसे अजीम लीडर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों सुपर पावर्स के सरबरा को खत लिखते हैं कि मैं अल्लाह की तरफ से सच का पैगाम लेके आया हूं अगर तुम उस पैगाम के ऊपर अमल करोगे ये तुम्हारी बेहतरी है अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारी तबाही है अब नौजवानों सुनाई है वो सुपर पावर्स किधर थोड़े से मुसलमान हमारे नबी वसल्लम ने क्या पैगाम हमेशा के लिए हमें दिया कि आप थोड़े भी हो आप कमजोर भी हो लेकिन जब तक आप में गैरत है दुनिया आपकी इज्जत करेगी उन्होंने उन्होंने दोनों सुपर पावर के सामने हाथ नहीं फैलाया इमदाद मांगने के लिए कर्जे मांगने के लिए उन्होंने उनको पैगाम दिया और दुनिया की तारीख इस चीज की गवाह है कि आठ नौ सालों के बीच में दोनों सुपर पावर्स मुसलमानों के सामने घुटने टेक देती हैं यह दुनिया की तारीख में है तो हम हमें हमें अल्लाह ने हुक्म दिया है कुरान में कि अपने नबी की सुन्नत पे चलो उसके रास्ते पे चलो तो नौजवानों आज सब सबसे पहला मेरा पैगाम है कि सिर्फ एक खुददार कौम की दुनिया इज्जत करती है वो कौम जो अपनी इज्जत नहीं करती उसकी दुनिया इज्जत नहीं करता और मेरी जब से मैंने सियासत शुरू की पच्चीस साल पहले मेरा मंशूर देख लो मैंने तीन चीजें कही कि सबसे पहले हम पाकिस्तान को एक खुददार कौम बनाएंगे अपने पैर पर खड़ा करेंगे और कलमा लाला के ऊपर अमल करेंगे कि स्वाय अल्लाह हम किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे दूसरा इंसानियत कि हम अपने मुल्क को एक फलाई रियासत बनाएंगे उस तर्ज पे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में दुनिया की तारीख पे पहली दफा फलाई रियासत बनाई थी और तीसरी चीज कि हम अपने मुल्क में अदल और इंसाफ का कानून लेके आएंगे ताकतवर को कानून के नीचे लेके आएंगे ये तीन चीजें मेरे मंशूर का हिस्सा था 25 साल पहले और ये मंशूर हमने मदीना की रियासत से लिया था जिधर हमारे नबी वसल्लम ने इन तीन असूलों के ऊपर मदीना की रियासत को खड़ा किया था तो आज सबसे पहले मेरे ये जो थ्री स्टूच हैं ये जो तीन इकट्ठे हो गए हैं तीनों ये तीनों वो लोग हैं जो तीस साल से पैंतीस साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं अगर, अगर आज हमारे हरे पासपोर्ट की दुनिया में इज्जत नहीं इन तीनों की वजह से क्योंकि इन्होंने हमारे मुल्क को मक्रूज किया इन्होंने जाके जो भी बड़े बडे पावर थी उनके सामने झुके इनके पिछले 2008 से लेके 2018 तक 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान में हमारे कबाली इलाके में 400 ड्रोन अटैक हुए हमारे शहरी मारे गए हमारी औरतें बच्चे बुजुर्ग बेकसूर लोग मारे गए ये दो जरदारी और नवाज शरीफ जो इकदार में थे एक दफा इन्होंने मुजम्मत नहीं की एक दफा इन्होंने ये नहीं कहा कि ये सारे इंटरनेशनल कौन के खिलाफ है कि आप एक, एक मुल्क आपकी मदद कर रहा है उसी को आप बमबारी कर रहे हैं और आज मेरे दीर के नौजवानों ये क्यों नहीं इन्होंने मुजम्मत की क्योंकि इनके अरबों 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 रुपए और असासे मुल्कों में पड़े हुए हैं और उनकी वजह से इन्होंने एक दफा अपने शहरियों के ऊपर जो जुल्म हो रहा था उसकी मुजम्मत की कौन मुजम्मत कर रहा था कौन मुजाहरे कर रहा था आपकी जमात तहरीक इंसाफ हम सड़कों पर निकले हुए थे और अभी शाह महमूद कुरैशी ने बात की हिंदुस्तान से मिसाइल आया यही हिंदुस्तान जब नवाज शरीफ इकतदार में था तो नरेंद्र मोदी बार बार पाकिस्तान की फौज को दहशतगर्द कह रहा था पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दहशतगर्दों का सरबरा कह रहा था एक दफा नवाज शरीफ ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात नहीं की बल्कि उसने अपने फ़ॉरेन ऑफिस के स्पोक्सम को कहा कि तुमने कोई स्टेटमेंट हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं देनी और ये क्यों था क्योंकि जब इनका पैसा मुल्क से बाहर पड़ाओ मेरे दीर के नौजवानों ये सुन लो जिस जमात के भी सरबरा का पैसा मुल्क से बाहर पड़ा हो वो कभी आज़ाद फॉरेन पॉलिसी नहीं कर सकता यानी वो फॉरेन पॉलिसी कभी नहीं बनाएगा जिसमें वो अपने आवाम की हिफाजत करे, उनके हकूक़ की हिफाजत करे। अच्छा अभी मैं थोड़ी देर के बाद डीजल पे आने लगा हूं लेकिन उससे पहले इन्होंने जो हरकत की अभी इस्लामाबाद में उसके बा, बाद में आता हूं लेकिन सबसे पहले देखे मैं सिर्फ मेरा काम है एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर मुल्क का बाप होता है आप जिस तरह मैं अपने बच्चों की तरबियत करता हूं मेरा काम है आपकी तरबियत करना आपको एक अजीम कौम बनाना यह जरूरी है कि आप समझे कि यह मुल्क बना किस लिए था तो यह तब मुल्क जब बनाया गया था तो एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था जिसका नाम कायदे आजम मोहम्मद अली जना था हम उसको लीडर मानते हैं और वो सदक और अमीन था वो एक ऐसा लीडर था जो दलेर था जो उस वक्त अंग्रेज की आंखों में आंखें डाल के बात करता था और उसने अपनी जान की बाजी लगाई हमें आजादी देने के लिए और इन हम इस मुल्क को अब उधर लेके जाएंगे कभी भी ये याद रखे मेरे पाकिस्तान की कौम क्योंकि हमारा नसपुल जब शुरू किया था या का ना बदो व का नस्ताइन था कभी मैं ना कभी किसी के सामने झुका हूं और इन शाह कभी आपको किसी के सामने झुकने नहीं दूंगा अब मैं एक बात अपनी फौज के ऊपर करना चाहता हूं अभी डीजल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने यह कहा उसने यह कहा कि जब हम इकतदार में आएंगे तो हम इदारे को ठीक करेंगे मतलब कि हम फौज को ठीक करेंगे मुझे यह बताओ कि आज अगर पाकिस्तान बचा हुआ है उसकी असल वजह यह है कि हमारे पास एक मजबूत फौज है आज आप नौजवानों मुसलमान दुनिया में देखें, मुसलमान दुनिया में कितना बड़ा आजाब आया हुआ है तबाह हुए हुए मुसलमान मुल्क इराक देखें, सीरिया देखें, लिबिया देखें, सोमालिया देखें, हमारे अफगानिस्तान देखें क्या हुआ तो जब एक मुल्क के पास ताकत नहीं होती अपनी हिफाजत करने के लिए वो आजाद नहीं रह सकते इसलिए आज अगर हमारे दुश्मनों ने हमारे मुल्क को तोड़ा नहीं जो उनका प्रोग्राम है तीन हिस्से में तोड़ने का उसकी वजह हमारी फौज है एक ताकतवर मुसलमान दुनिया में सबसे ताकतवर फौज है अब उसके पीछे कौन पड़ा हुआ है उसके पीछे उसके पीछे पहले तो ये जो डीजल ने कहा है कि हम इदारे को ठीक करेंगे आप कैसे ठीक करेंगे आपने तो जिस इदारे को हाथ लगाया है, आप तीनों ने थ्री स्टूज ने आपने सारे अदालत तबाह कर दिए आपने तो अदालतों के ऊपर अटैक किया आपने तो जजेस को खरीदा आपने तो डंडों से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को बगाया आपने तो टेलीफोन कॉल कर करके जजों से फैसले लिए आपने तो मीडिया के ऊपर लिफाफा जर्नलिज्म शुरू की रिश्वत दी आपने तो आपने तो ये जो बाहर बैठा हुआ है इस मुल्क का सबसे बुजदिल झूठा आदमी कहते हैं मुझे ये भी कहते हैं कि जी उसको भगौड़ा ना कहो इतना वो भगौड़ा भी है और वो झूठा भी है पहले झूठ बोल के गया मुशरफ के मैंने कोई दस साल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया अब झूठ बोल के गया है कि जी मेरी तो तबीयत बहुत बुरी है मैं तो मरने लगा हूं अगर मैं बरतानिया ना गया तो मैं मर जाऊंगा तो तब गया तो उसने सुने जरा उसने छांगा मांगा की सियासत शुरू की उसने सियासतदानों की कीमतें लगाई उस आदमी ने यह लफाफा सहाफत शुरू की उस आदमी ने आर्मी चीफ को आसिफ नवाज जंजुआ को बीएमडब्ल्यू गाड़ी से रिश्वत देने की कोशिश की तो वो आज फौज को ठीक करेंगे वो आदमी है जिसने जिसने खाटमांडू के नेपाल में नरेंद्र मोदी से छुप के मिल रहा था अपनी फौज के खिलाफ जिसने नरेंद्र मोदी को शादी पे बुलाया जो के कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था क्या वो ठीक करेगा फौज या वो डीजल जिसने अमेरिकन एम्बेसडर के पास बैठ के कहा एन पैटरसन के उसने अमेरिकन अंबेसडर को कहा कि मैं आपकी खिदमत करने के लिए तैयार हूं मुझे भी एक मौका दे दो और या और या वो आसिफ जरदारी पाकिस्तानी फौज को ठीक करेगा मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी उसने आसिफ जरदारी ने सुने जरा आसिफ जरदारी ने एक मेमो गेट हुआ था अमरीकनों को खत लिखता है कि जी मुझे अपनी फौज से बचा लो क्या वो फौज को ठीक करेगा या या वो छोटा शोबा शरीफ अब ये अब ये शबाज शरीफ कहता कि इमरान खान ने बड़ा गलत किया कि वो यूरोपियन यूनियन को उसने उनकी मजम्मत की शबाज शरीफ तुम ये जो टाई कमीज और सूट पहन के अंग्रेजी बोल के तुम समझ दो कि ये उनको ये सुबाश्रीफ भी अपनी टाइप एन के उनको कहता है सर मुझे मौका दे मैं आपकी बड़ी अच्छी खिदमत करूंगा तो ये ये जो रहमान यानी के डीजल ने जब कहा जब इसने ये कहा कि मैं इदारे को ठीक करूंगा इकतदार में आके हम करेंगे यानी के ये डाकुओं का गुलदस्ता फौज को ठीक करेगा ऐसे ख्वाब भूल जाओ मैं इन सारों को एक पैगाम देता हूं मैं इन सबको एक पैगाम देता हूं कि इन दूध का दूध पानी का पानी होने लगा आपने आपने, आपने आपने वो किया जो कप्तान अल्लाह से दुआ कर रहा था कि अल्लाह ये अदम अहतमाद मेरे पे करें मैं ये दुआ इसलिए कर रहा था क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद जी धरना देने आ रहे हैं गवर्नमेंट अगले महीने जा रही है गवर्नमेंट उससे अगले महीने जा रही है शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से तीन विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा अच्छा और इंशाल्लाह एक दिन पहले एतम एदमा से यह सारी कॉम देखेगी डी चौक में इंसानों का समुंदर होगा इस्लामाबाद में देखे अच्छा हाँ अच्छा एक मिनट एक मिनट आपने आपने वो सोशल मीडिया पे देखा है एक मिनट एक मिनट सुन लो सुन लो मैं क्या कहने लगा हूं नवाज शरीफ बैठा हुआ है अमेरिका के सदर के साथ हाथ में उसने पर्ची पकड़ी हुई है और उसकी कांपे टांग रही हैं पर्ची पकड़ के वो घबराया हुआ बैठा है कि उसका उसका आका नाराज ना हो जाए कहीं नाराज हो गया तो उसका सारा पैसा इतनी मेहनत से जो चोरी किया हुआ है वो ना कहीं पकड़ा जाए तो अब मैं मैं वो बिलावल बच्चे की क्या बात करूं? इतना इतना पैसा खर्च करके इस्लामाबाद पे आया वो बेचारे सिंध से लोगों को पैसे दे दे के लेके आया वहां इस्लामाबाद और उधर लोगों से पूछे जी उसका क्या पैगाम था उन्होंने कहा जी कहां पर टांग रही हैं। अच्छा सुने आप दूसरी चीज देखें मैं बाद में बात दूसरी बाद में अच्छा ये इंशाल्लाह ये जब तक बिलावल सियासत छोड़ेगा तो नए अल्फाज निकलाएंगे जिस तरह काम पर टांग रही है चीनी उग रहा है और एक और वो क्या बारिश आता है तो इन शाह ये सारी चीजें क्योंकि जब जब आप एक लीडर को जबरदस्ती बनाने की कोशिश करें क्योंकि जनाब उसके नाना साहब लीडर थे तो उसको भी आपने बनाया यही होता है फिर कंपेटती है अच्छा जी सुने जरा आप। दूसरी चीज बाद में बाद में दूसरी चीज नौजवान मेरी जो सबसे ज्यादा कोशिश है पहले सुन ले बाद में आऊंगा सबसे ज्यादा कोशिश है कि मदीना के रियासत के तर्ज पे पाकिस्तान को एक फ्लाई रियासत बनाऊं और मुझे अल्लाह का करम, अल्लाह का करम है कि उस रास्ते पे हम निकल गए हैं नौजवानों अब आपके यहां से दीर से बड़े लोग बाहर काम करते हैं उनसे कभी पूछे कि कोई दुनिया में इस वक्त मुल्क है जिधर हर खानदान के पास दस लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस है किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवाएं। एक मुल्क बता दें ये इंशाल्लाह दुनिया के लिए पाकिस्तान एक मिसाल बनेगा हमारे पास अभी वसाइल नहीं है अभी पैसे नहीं है अभी तो टैक्स इकट्ठा होना शुरू हुआ है लेकिन अभी से हमने वो कदम उठाया है जो अमीर तरीन मुल्क भी नहीं कर सकते कि हर अपने खानदान को आप 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दे किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सके और ये हमारा सफर है उस तरफ इस मुल्क को एक इंसानियत का निजाम लाके एक ऐसी फलाई रियासत बने जो सारी मुसलमान दुनिया हमारी मिसाल से सीखेगी हमने नौजवानों कामयाब पाकिस्तान में 20 लाख गरीब खानदानों के लिए पांच लाख रुपए का कर्जा सूद के बगैर बीस लाख रुपया घर के लिए सूद के बगैर कर्जा और एक जगह टेक्निकल एजुकेशन और जो किसान वो अपनी जमीन पे पैसे लगाना चाहता है उसके लिए भी हमने पांच लाख सूद के बगैर कर्जा रखा है उसके अलावा क्योंकि महंगाई है आलमी महंगाई आई हुई है महंगाई का दुनिया में समंदर आया हुआ है चालीस चालीस साल के बाद अमेरिका जैसी जगह में सबसे ज्यादा महंगाई है उस दौर में हमने दो करोड़ खानदान को दो करोड़ खानदान को हमने देना शुरू किया है एहसास राशन यानी जाके अपने करियाना स्टोर से आप 30 फीसद आपको रियायत मिलेगी आटा चीनी और घी के ऊपर दो करोड़ खानदान को हम दे रहे हैं और सबसे बड़ी बात अगर आपके दीर से लोग दुबई है याद रखें दुबई में यूएई में जमीन से तेल निकलता है उनके लेकिन क्योंकि हमने अपने लोगों को बचाया जो कि दुनिया में इस वक्त तेल सबसे महंगा हुआ है आज पाकिस्तान में दुबई से सस्ता तेल बिक रहा है डीजल और पेट्रोल फजुल और पेट्रोल दुबई से सस्ता है फजुल रहमान को मैं चाहूंगा जरा कभी किसी पेट्रोल पंप पे जाके खुद ही चेक कर कि डीजल की कीमत क्या है अच्छा सुने आप और आखिरी चीज ये दो और मैंने बातें करनी हैं और कानून की बालादस्ती का मतलब जो मदीना की रियासत में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने कहा था ये नौजवानों अपने कानों में डाल लो कि मैंने जब ये इंसाफ की तहरीक शुरू की थी मैं अपने नबी की सुरत पे चल रहा था उन्होंने कहा था कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं जिस माशरे में इंसाफ नहीं और इंसाफ का मतलब कि कमजोर और ताकतवर के लिए एक कानून उन्होंने कहा तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर जब ताकतवर डाकू चोरी करता था तो उसको सजा नहीं मिलती थी सिर्फ जब कमजोर गरीब चोर जब चोरी करता था उसको जेल में जब डालते हो कौम तबाह हो जाती है आज जो मेरा मुकाबला है ये इन तीन डाकुओं से ये तीनों डाकुओं से मेरा मुकाबला है और जिस तरह मैं फिर अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं कि इन्होंने आदमी एतम कर दिया ये मेरी निशिस्त में आ गए हैं एक एक इन स्विंग यॉकर से तीनों की बिट्टे इंशाला कराऊंगा ये जो तीन डाकू हैं ये मेरे से क्या मांग रहे हैं क्या मांग रहे मेरे से एन आर ओ। शाबाश माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी नौजवान में बहुत शूर है मैं दाद देता हूं आपको मेरे से कहते हैं जी इमरान खान हम तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर तुम हमारे करप्शन के केस बंद नहीं करोगे मैं इनको कहता हूं गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मेरा मैं तुम्हारे सामने पॉलिटिक्स नहीं कर रहा मैं तुम्हारे खिलाफ ज़हाद लड़ रहा हूं आपने मेरे नबी ने कहा कि ताकतवर डाकू जब चोर कर चोरी करता है आप उसको सजा नहीं देते मुल्क तबाह हो जाता है अल्लाह ने इस मुल्क को हर नेमत से नवाजा है हर चीज दी है लेकिन क्यों हम उतना अजीम मुल्क नहीं बन सके जो हमें बनना चाहिए था क्योंकि इस मुल्क में बदकिस्मती से अब तक जो बड़ा डाकू चोरी करता है हमारा सारा इंसाफ का निजाम उसको सजा नहीं दे सकता सिर्फ जेल भरे हुए हैं बेचारे गरीब लोगों से जो मजबूरी में चोरी करते हैं इस निजाम के खिलाफ हजरत हजरत अली ने कहा था कि कुफर का निजाम चल जाएगा लेकिन जुल्म और ना इंसाफी का निजाम नहीं चल सकता इनशाला मैं अपने अल्लाह के सामने वादा करके आया था कि अल्लाह जब तक मेरे में जान है मैं इस मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ूंगा ये जो डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया है अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें एक तरफ खतरनाक डीजल दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज अब ये तीन ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए और इन इनका शिकार होगा जल्दी अच्छा आखिर में नौजवानों अच्छा भी आता हूं भी आता हूं अच्छा सुने अब अब तीन चीजें मेरे नबी वसल्लम ने मदीना की रियासत में तीन उसूल बनाए थे खुदारी इंसानियत और इंसाफ ये तीन उसूलों के ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी मैंने मुझे एहसास हुआ जब मैं हुकूमत में आया मुझे एहसास हुआ कि हमारे लोगों को समझ ही नहीं है कि सीरत नबी क्या थी हमारे बच्चों को सही माने में समझ ही नहीं है नबी अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी इसलिए मैंने रहमत लमीन अथॉरिटी बनाई है स्कूल के बच्चों के अंदर हम सीरत की क्लासेस देंगे हम इनकी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च करवाएंगे हम इनको टीवी पे प्रोग्राम्स करेंगे ताकि मेरे नौजवानों को पता चले कि सीरत नबी क्या है तीन चीजें क्योंकि ये या, ये याद रखें जो भी जब अल्लाह कहता है कि नबी की सुन्नत पे चलो वो हमारी बेहतरी के लिए कहता है नबी को अल्लाह ने खिताब आलमीन का दिया है सब इंसानों के लिए हमारा नबी रहमत लेके आया था तो जो भी इंसानी माशरा हमारे नबी के पैगाम पे चलेगा वो ऊपर आ जाएगा अब मैं आखिरी जब आपको बात समझाने लगा गौर से सुने तीन चीजें हमारी जिम्मेदारी रियासत की एक एक जिसके ऊपर मदीना की रियासत खड़ी हुई थी वो आपकी जिम्मेदारी है और वो कुरान की आयत है अमर बिल मारू वा नहीं अनल कर मुनकर इसका मतलब क्या है अल्लाह हमें हुक्म करता है नौजवानों अल्लाह हमें हुक्म करता है कि तुम कुरान की पूरी आयत है कि तुम्हें मैंने सबसे अजीम कौम बनाया तुम अच्छाई के साथ खड़े होते हो अच्छाई के लिए जहाद करते हो और बुराई के खिलाफ खड़े होते हो और बुराई के खिलाफ जहाद करते हो यानी कि जब अच्छा बुरा होता है तो अल्लाह ने अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती इंसान इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है अब मैं आपको मिसाल देता हूं आजकल ये सारी ऑपोजिशन इनके लोग थैले नोटों के लेके फिर रहे हैं सारी कौम के सामने पंद्रह पंद्रह बीस बीस करोड़ हमारे एम एन को कह रहे हैं कि अपना जमीर बेच दो ये सारी कौम के सामने तमाशा हो रहा है कि ये हुकूमत कैसे कराएंगे नंबर तो है ही नहीं इनके पास ये कैसे कराएंगे ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एम एन एज के जमीर को खरीदो पंद्रह बीस करोड़ की थैलियां लेके फिर रहे हैं अब मैं नौजवानों आपको बताऊं मेरा इतना टाइम गुजरा है मगरब में बरतानिया में मैं यूनिवर्सिटी भी गया क्रिकेट भी खेलता था जो हमने जमहूरियत ली वो बरतानिया से ली बरतानिया के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई किसी को पैसा पैसा दे के उसका जमीन खरीदेगा किसी एमएलए का एम पी ए का तस्वर भी नहीं है वो वो कौम अगर उनको ये शक भी पड़ जाए कि किसी पॉलिटिशियन ने अपना जमीर बेचा है वो सारे माशरे में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा क्योंकि वो अमर पे चल रहे हैं हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखो कि इन चोरों ने इन चोरों ने या इस मुल्क में पैंतीस साल हुकूमत करके हमें अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर दी है कई दुनिया के महजब माशरे में कौन सा पॉलिटिशियन अपना ज़मीर बेचता है पैसे लेके उसको तो सिर्फ ये ना हो कि माशरे में शक्ल ना दिखा सके, उसको तो जेल में डालें सेनेट का इलेक्शन हुआ यूसुफ रजा गिलानी का बेटा एक तरीके इंसाफ के मेंबर को पैसे देता हुआ उसकी वीडियो आ गई ये वीडियो अगर मैं जो जानता हूं किसी भी मगरबी जमहूरियत में आती वो सबा जेल में होते और उस उसको सजा मिली होती तो ये मेरा नौजवानों हमें अल्लाह की इस जो हुक्म है इस आयत पे हम सबको चलना चाहिए मैं जो डीक चौक पे लोग बुला रहा हूं एक दिन पहले आदम एतम से मैं अपनी कौम को सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि इनको बताने के लिए ये जो डाकू तीन इकट्ठे हुए थ्री स्टूडेंट्स इनको ये बताने के लिए कि हमारी कौम जिंदा है हमारी कौम अमर मारूफ पे खड़ी है हम छाई को अच्छाई समझते हैं और बदी को हम सब ने मिलकर खत्म करना है इस माशरे से नौजवानों मैं आपको एक और मिसाल देता हूं करप्शन में अब जो शबाज शरीफ है इसके चपरासी के बैंक अकाउंट में पौने चार अरब रुपया निकला है चार, पौने चार अरब रुपया का मतलब तीन सौ पचहत्तर करोड़ रुपया इसके चपड़ासी के मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में निकला है सोलह अरब रुपया सोलह सौ सो करोड़ रुपया इसके नौकरों के अकाउंट में निकला है ये अगर किसी भी मगरब ममालिक में इस तरह होता इसलिए वो मुल्क हमारे से आ गए वो ज्यादा अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रहे हैं वहां किसी की उस की जरूरत ना होती किसी पब्लिक में जाता अब तक जेल की सजा हो चुकी होती जनाब वो अपनी नेल्सन मंडेला की शक्ल बना के तकरे कर रहा है असम्बली में जाके एक एक अच्छा जब नैब की अदालत में जाना होता है तो कमर में दर्द हो जाती है जब असेंबली में तकरीर शुरू करता खत्म ही नहीं करता कमर ठीक होती है वह जब अदालत में जाना होता है लंबी-लंबी डेट्स रहता है। तो में नहीं आएगी जिधर जुलम हो कभी अल्लाह की बरकत उस माशरे में नहीं आएगी जब तक जो उसने हुक्म दिया कौम को क्या आप अच्छाई के साथ खड़े हो जब आप देख रहे हैं माशरे में ऊपर आ रही है आप सबके ऊपर अल्लाह फर्ज कर देते उसके खिलाफ जहाद लड़ो तो ये जो इस वक्त ये सारे तीन डाकू इकट्ठे के कोशिश कर रहे हैं मैं इनको आज पैगाम देना चाहता हूं कि आप डी चौक में इंशाला देखेंगे आवाम का समुंदर और वो सिर्फ एक पैगाम देने आएंगे कि हम अल्लाह के हुक्म पे खड़े हैं हम मारूफ पे खड़े हैं हम ये जो तुम कोशिश कर रहे हो लोगों के ज़मीर खरीदने की बीस बीस करोड़ रुपए से हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम तुम चोरों को नहीं छोड़ेंगे वैसे मैं अभी तक मेरे एम एन एज ने मुझे सबने बताया है कि उनको क्या क्या पैसा ऑफर कर रहे हैं मुझे आगे बता देते हैं सब मुझे बता देते हैं कि कौन सा इनकम इनके डाकुओं सिंडिकेट का इनका माफिया के जो लोग उनको मिल रहे हैं मैं उनको सबको कहता हूं कि अगर पैसे तुम्हें दे रहे हैं तो ले लो पैसे दे रहे हैं रख लो बीस करोड़ रुपया अगर दे रहे हैं रख लो कोई यतीम खाना खोल देना कोई लंगर खाना खोल देना कोई गरीबों की मदद कर देना कोई स्कूल खोल देना क्योंकि हराम का पैसा है ले लो इनसे लेकिन कभी अपना जमीर ना बेचना क्योंकि इज्जत जिल्लत देने वाला खुदा है रिस्क देने वाला खुदा है जो भी जो भी अपना जमीर बेचता है ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करता मैं आखिर में दीर के लोगों जिस तरह का आज आपने शानदार इस्तेमाल किया है दिल से आपका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो आपने शौर दिया है मैं आपको आज खराज तहसील पेश करता हूं जिस तरह का आप में शहूर है और इन जब अब आप, आप, आप सब देखेंगे कि ये जो मैच होगा पार्लियामेंट के अंदर अदम इतम का आप देखेंगे कि वो मैच जब आपका कप्तान जीतेगा तो तब मैं इन डाकुओं से क्या करता हूँ? पाकिस्तान